मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर हल्द्वानी नगर निगम के खोखले दावों की पोल खोल रख दी। बारिश के बाद शहर की मुख्य सड़कों ने तालाब की शक्ल ले ली। जलभराव की स्थिति ऐसी हो गई जिसमें मोटरसाइकिल कम नाव की जरूरत पड़ने लगी है। शहर की नालियां चौक होने से सारा पानी रोड पर आ गया, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। साथ ही बाजार की दुकानों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर शहर को जलमग्न कर दिया। नगर निगम के मेयर और प्रशासनिक अधिकारी जलभराव के निपटने की केवल बात ही करते नजर आते हैं। इसके अलावा हल्द्वानी की नंदोर नदी उफान पर है। उफान पर आने से नदी के दोनों तरफ जबरदस्त भू कटाव हो रहा है। विभाग के कर्मचारी बाढ़ और भू कटाव के हालातों पर नज़र बनाए हुए हैं। नंदोर वन क्षेत्र अधिकारी अनिल आर्या ने इस बारे में बात रखी। बारिश से बरसात के सीजन में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, नदी में आने जाने में दिक्कत होती है और हमारा स्टाफ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कहीं भी है तो वो लोग जा नहीं पाते हैं नदी पार करने के लिए, तो ऐसे अमूमन होता रहता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि नंदोर नदी में जो बारिश की वजह से जो निरंतर भू कटाव होता जा रहा है, जिससे गाँव की तरफ भी पानी का आने की संभावना है और रेंज ऑफिस है यहाँ पर, उसके लिए भी भू कटाव से नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद यही है शासन प्रशासन से कि जो है ये जल्दी से जल्दी इसमें जो इस पर बनाए जाएँ, इससे जो है वन की रक्षा हो सके और जो है गाँव वालों को भी जो है भविष्य में बाढ़ की आशंका से मुक्ति दिलाई जा सके। अभी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में यदि नंदोर नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो नंदोर नदी के आसपास बसे चोर गलिया समेत अन्य गांव भी खतरे की जद में आ सकते हैं। अब तक की बारिश में नदी पर बने चेक डैम या तो टूट चुके हैं या फिर बह गए हैं, लिहाजा अब भूस्खलन को रोकने के लिए प्रशासन ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो हालात और बिगड़ सकते हैं। हल्द्वानी लाइव.com के लिए भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट।